हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीबॉडी टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी आवर। तो आम पूर्व क्लास रे आम आलोचना करूँ दशम श्रेणी वन ए वन बी तार आम क्वेश्चन आंसर सब डिस्कशन करूँ। तो आज आम यही क्लास आरंभ करवा वन सी जो रही तुम पाटीगणितर समाधान। ठीक अच्छे, तो चलो स्टार्ट करवा। तो प्रथम क्वेश्चन कौन अच्छी देख, दुईट संख्यार जगफल 137 और व्ययफल 43 तेबे संख्या द्वय निरूपण कर। ठीक अच्छे, ताल आम आगे कमी समाधान करवा ना समाधान धरा जाऊ संख्या द्वय एक्स और वाई। ठीक अच्छे, तो एक्स संख्या द्वय जगफल 137 ताले प्रश्न अनुसार आम लिखिपर एक्स प्लस वाई इक्वल टू 137 है देदे समीकरण एक। तापर अच्छे वियोग फल 43 ताले एक्स माइनस वाई इक्वल टू 43 समीकरण दुई। तो ये देख आम सीधा सड़क फेराण करदेव कि मिशाण करदे भी ये आम कटिजी। तो आम कौन करवा ना समीकरण एक और समीकरण एक मिशाण समीकरण दुई मिसेदे कौन हो एक्स प्लस एक्स के ना 2x एक्स हो वाई अच्छे वाई माइनस वाई कटिजी तेल मैंने कटिगले ताले रहिला केते एठी मिसी गले केते होला 7 3 10 4 3 7 के 8 एक 180 ताले आमे लेखि परिबा x इक्वल टू 180 बाय 2 ताले x रो मूल्य केते हे गला ना 90। या पर आमे कोन करिबा ना x रो मूल्य को आमे समीकरण 2 किंबा समीकरण 1 आमे जोठी भी आमे ताको अप्लाई करि परिबा। तो आमे एक्स रो एक समान 90 को समीकरण एक रे प्रयोग करिया प्रयोग करले कौन है जीवो ना एक्स प्लस वाई इक्वल टू अच्छे 137 ताले एक्स रो मूल्य कत अच्छे 90 प्लस वाई इक्वल टू 137 ताले कौन है जीवो ना वाई इक्वल टू है जीवो 137 माइनस 90 कहीं ना ये प्लस है क्यों ची डाना पट गोले माइनस है जो हम लिखी पड़ी बा वाई समान तो ये जो ना 7 ये तेरो रु नौ गोले 4 ताले वाई इक्वल टू 47 ताले ये टी मुसाइट लिखी दो ची और तो ये हमारा संख्या दोयो मेरी गोला और तो ये संख्या दोयो गोटे हूँ 90 और 47 ये आमर आंसर क्लियर है गला स्क्रीनशॉट कर नियो। ओके, तो चलो देखिवा दुई नंबर नंबर टू रे कौन अच्छी ना गोटे समबाहु त्रिभुजर बाहु त्रय दैर्घ्य एक्स प्लस 4 सेंटीमीटर 4x माइनस वाई सेंटीमीटर वाई प्लस 2 सेंटीमीटर हेले बाहुर दैर्घ्य निर्णय कर ताले एठी देछि कोन ना समबाहु त्रिभुज ताले समबाहु त्रिभुज रो तीनोटी जाको बाहु समान धरा जाव माने बा गोटे समबाहु त्रिभुज एबीसी हला। तो एबीसी रे कोन हो ना तीनटा जाको बाहु समान रहइबो। ठीक अछि, तो एबी रो मूल्य धरा जाव केते देछि ना एक्स प्लस 4 बीसी हे जाउछि हमर 4x माइनस वाई सी हे जाउछि वाई प्लस 2। तो प्रश्न अनुसार ये होचे हमर कोन ना समबाहु त्रिभुज ताले आमे लिखि परिबा एक्स प्लस 4 इक्वल टू 4x माइनस वाई इक्वल टू वाई प्लस 2। तो आमे ए दुईटा रु गोटे समीकरण बाहर करिबा आ ए दुईटा रु आमे आ गोटे समीकरण बाहर करिबा। ठीक अछि, तो आमे अलग अलग नै गले ना आमे लिखि परिबा एक्स प्लस 4 मा इक्वल टू 4x माइनस वाई ताले कोन हे जइबो ये देखो प्लस 4 अछि बामो कासला माइनस 4 हे गला ये अच्छे देख माइनस वाई एपट को आसा प्लस वाई गला ये प्लस 4 ताले ही गला एक्स माइनस 4x रो वैल्यू आसी गला माइनस 3x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 आम लिखिदेवा समीकरण 1 ये क्लियर हो गल।
ତାପରେ ଦେଖ ଏଇ ଦୁଇଟାରୁ ଏଇଥିରୁ ଆଉ ଏଇଥିରୁ ଏଇଥିରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ସମୀକରଣ ଆସିଲା କେତେ ନା ଫୋର ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ତାହେଲେ ଏଇ ୱାଇକୁ ଆମେ ବାମ ପଟକୁ ନେଇ ଆସିବା ଇଏ ପ୍ଲସ୍ ଅଛି ହେଇଗଲା ମାଇନସ୍ ହେଲା ତାହେଲେ ଇଏ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ଏପଟକୁ ଆସିଲା ମାଇନସ୍ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଫୋର ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାଇ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା ନା ଫୋର ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଟୁ ୱାଇ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ତ ଦେଖ ଏଇ ତିନିଟା ଯାକରୁ ଆମର ଟୁ କମନ୍ ନେଇପାରିବା ଆମେ ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ଟୁ କମନ୍ ନେଇଯିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଟୁ ଏଠି ରହିଗଲା କେତେ ଟୁ ଏକ୍ସ ଏଠି ରହିଗଲା ମାଇନସ୍ ୱାଇ ଇଏ ରହିଗଲା ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ତାହେଲେ ଏଇ ଟୁକୁ ଆମେ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଯଦି ନେଇଯିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଜିରୋ ବାଇ ଟୁ ଆଉ ଜିରୋ ବାଇ ଟୁର ଭାଲ୍ୟୁ ହେଇଯିବ କେତେ ନା ସେଇ ଜିରୋ ଓକେ ତ ଇଏ ହେଇଗଲା ଆମର ଟୁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାଇ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ତ ଆମେ ସମୀକରଣ ଏକ ପାଇଗଲୁ ସମୀକରଣ ଦୁଇ ପାଇଗଲୁ ତ ସମୀକରଣ ଏକ ଆଉ ସମୀକରଣ ଦୁଇ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଦେଖ ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ଅଛି ଏଠି ମାଇନସ୍ ୱାଇ ଅଛି ତ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ମିଶେଇଦେବା ତାହେଲେ ୱାଇ 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 କ୍ୟାନସେଲ୍ ହେଇଯିବ ତ ଆମେ ଆରାମରେ ସମାଧାନ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ସମୀକରଣ ଏକ ମିଶାଣ ସମୀକରଣ ଦୁଇ କରିଦେଲି ଇଏ ହେଲା ଆମର ସମୀକରଣ ଏକ ହେଲା ସମୀକରଣ ଦୁଇ ଏଠି ମିଶିଗଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ୱାଇ ୱାଇ କ୍ୟାନସେଲ୍ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଇଏ କେତେ ହେଲା ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହେଇଗଲା ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ତାହେଲେ ଏକ୍ସର ଭାଲ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ଥ୍ରୀ ତ ଏଇଠି ଦେଖ ଆମର ପ୍ରଥମ ଦେଇଛି କେତେ ନା ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍ ଦେଇଛି ଦେଖ ତ ଆମକୁ ଆଉ ୱାଇର ଭାଲ୍ୟୁ ଆମକୁ ବାହାର କରିବାର ଜରୁରୀ ନାହିଁ ଯଦି ଏଇଠି ଆମେ ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିଥାନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରତିକଳ୍ପନ କିମ୍ବା ଅପସାରଣ କିମ୍ବା ଯଦି ଆମେ ବଜ୍ରଗୁଣନ ପଦ୍ଧତିରେ କରିଥାନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସମାଧାନ ତାହେଲେ ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ବି ବାହାର କରିଥାନ୍ତେ ତାପରେ ଆମେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ ନା ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିବା ଦରକାର ହେଇନଥାନ୍ତା କାହିଁକିନା ଏଠି ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଅଛି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ବାହାର କରିବେ ସେମାନେ ଏଇଟାକୁ ପକାଇଦେଲେ ବି ଆମର ଉତ୍ତର ବାହାରିଯିବ ତ ଆମର ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିବାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ତ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପାଇଯିବା ବାହୁ ସମାନ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍ ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା ନା ଥ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସେଭେନ୍ ତାହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଗଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ କରିଦିଅ ଦେଖ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଛି ନା ABCD ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ଏବି ସମାନ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ସେଣ୍ଟିମିଟର ବିସି ସମାନ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେଣ୍ଟିମିଟର CD ସମାନ ଥ୍ରୀ ୱାଇ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓ DA ସମାନ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏତିକି ଦେଇଛି ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ଲେଖିନି ତ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ABCD ଗୋଟେ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ABCD ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବି ଦେଇଛି ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ସେଣ୍ଟିମିଟର ବିସି ଦେଇଛି ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେଣ୍ଟିମିଟର CD ଦେଇଛି ଥ୍ରୀ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଥ୍ରୀ ୱାଇ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ସେଣ୍ଟିମିଟର AD ଦେଇଛି ଆମର ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଦେଖ ଏଠି ଲେଖିଦେଇଛି ଏବି ସମାନ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ସେଣ୍ଟିମିଟର ବିସି ସମାନ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେଣ୍ଟିମିଟର CD ସମାନ ଥ୍ରୀ ୱାଇ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ସେଣ୍ଟିମିଟର AD ସମାନ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିମିଟର ବୁଝ ଏଇଥିରୁ ଦେଖ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ ରହିବ ଏହାର ଯେତିକି ଏଇଟା ଯେତିକି ହେବ ଇଏ ବି ସେତିକି ହେବ ଏ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦୁଇଟା ସମାନ ରହିବ ପ୍ରସ୍ଥ ଦୁଇଟା ସମାନ ରହିବ ତ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଏଇଥିରୁ ହିଁ ଆମର ସମୀକରଣ ଆସିଯିବ ତ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଏବି ସମାନ CD ଲେଖିପାରିବା BC ସମାନ AD ତ ସେଇଠୁ ହିଁ ଆମେ ନେଲେ ଏବି ସମାନ CD ଦେଖ ଏବି ଦେଇଛି ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ୱାଇ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ହେଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଇଏ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ଅଛି ବାମ ପଟକୁ ଆସିଗଲେ ସରି ମାଇନସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ଅଛି ବାମ ପଟକୁ ଆସିଗଲେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ହେଇଗଲା ଇଏ ଅଛି ୱାଇ ଇଏ ଅଛି ଥ୍ରୀ ୱାଇ ଇଏ ପଟକୁ ଆସିଗଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ତାହେଲେ ହେଇଯିବ ଦେଖ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଫାଇଭ୍ ଏକ୍ସ ୱାଇ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଟୁ ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ସମୀକରଣ ଏକ ତାପରେ ଦେଖ ସେଇଭଳିଆ ପୁଣି BC ସମାନ AD ତ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ତାହେଲେ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ଇଏ ଦେଖ ପ୍ଲସ୍ ଅଛି ବାମକୁ ଆସିଲା ମାଇନସ୍ ହେଲା ଇଏ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଇଏ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଅଛି ବାମକୁ ଆସିଲା ମାଇନସ୍ ହେଲା ତାହେଲେ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାଇ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ କେତେ ହେଇଯିବ ନା ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ହେଲା ତାହେଲେ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାଇ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ସମୀକରଣ ଦୁଇ
ए दुईटा को आमे समाधान करबा को प्रणाली रे करले आमे ना अपसारण पद्धति रे आमे समाधान करले तारे माइनस 1 आमे गुणी देले समीकरण 1 रे समीकरण 2 रे माइनस 2 कहिना समीकरण 1 रे y रो सहगो केते अछि माइनस 2 तारे आमे समीकरण 2 रे आमे माइनस 2 गुणिले समीकरण 2 रे समीकरण y रो सहगो केते अछि माइनस 1 आमे समीकरण 1 रे माइनस 1 गुणिले तारे ए गला माइनस 5x प्लस 2y इक्वल टू जीरो समीकरण तीन सेमती ये गला हमर माइनस 6x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू जीरो क्लियर समीकरण चार ताले हम फेरान कर देले देखो एठी 2y 2y कैंसिल हो गला रहिला केते ना माइनस 5x प्लस 6x x ये माइनस हो जीवो ना तो केते गला माइनस 2 इक्वल टू जीरो ताले x इक्वल टू 2 हे गला ठीक अछि तो समीकरण 1 रे x रो मूल्य स्थापन करले 5 गुणन 2 समान केते हे जीवो 10 माइनस 2y इक्वल टू 0 ताले जो 10 एपर को गला माइनस 10 हे जीवो हला ताले y इक्वल टू माइनस 10 बाय माइनस 2 हला ताले यार वैल्यू केते हे गला ना 5 ताले हमें ab रो मूल्य काढी दवा 3x प्लस y इक्वल टू 3 इनटू 2 प्लस 5 इक्वल टू केते हे गला ना 3 दुने 6 निशान 5 समान 11 सेंटीमीटर क्लियर तापर देखो बीसी रो वैल्यू केते अछि 3x प्लस 2 3x प्लस 2 इक्वल टू केते जेबो ना 3 गुणन 2 निशान 2 समान 8 सेंटीमीटर हमकु मागी जी कोन ना क्षेत्रफल तो आयत क्षेत्र रो क्षेत्रफल दैर्घ्य गुणन प्रस्थ बा AB * BC ताले AB * BC केते होला ना 11 गुणन 8 समान 88 वर्ग सेंटीमीटर क्लियर हे गला स्क्रीनशॉट करिनियो ओके देखो नंबर 4 क्वेश्चन कोन अछि ना दुई अंक विशिष्ट गटीय संख्या ताहारो अंक द्वार जोगफल रो 4 गुण किंतु संख्याटि रे 18 जोग करले अंक द्वार स्थान बदली जाय तबे संख्याटि केते ठीक अछि ताहेले धरा जाउ संख्याटि रो ये कोन कहै छै ना दुई अंक विशिष्ट संख्या ताले दुई अंक विशिष्ट संख्या रे साधारणत कोन रे धरा जाउ गोटे आमे दुई अंक विशिष्ट संख्या नबा 12 हला ताले 12 को आमे लिखि परबा 1 10 2 1 हला तो सेमती आमे ये हला 1 घर ये हला 10 घर त आमे दुई अंक विशिष्ट गोटे संख्या नै छ तारो एक को स्थानीय अंक होउछि y आउ 10 को स्थानीय अंक होउछि x ताले संख्या डी केते हे जबो ना 10x 10 को स्थानीय अंक होउछि x तर 10x प्लस y जति बुझि पालो तापर देखो संख्या टिकु अलटाइ लेखिले एकक स्थानीय अंक कते हे जबो ना ये हे जबो हमर 10 को स्थानीय अंक रा एकक हे जबो x आउ एकक स्थानीय अंक y अछि से 10 को स्थानीय अंक हे जबो तले अलटाइ कि लेखिले ए भरिया पूरा सेम 10y प्लस x हे जबो जति बुझि पालो त हमर प्रश्न रे कोन कहै छी ना संख्या टि रे संख्या टि अंक द्वय रो जोगफल रो 4 गुण ताले संख्या टी के 10x प्लस y ताले 10x प्लस y इक्वल टू केते ना अंक देव रो मिसान फल रो 4 गुण ताले 4 * x प्लस y ताले प्रश्न अनुसार एति के हला तो याकु समाधान करला हम पाई जीवा 10x प्लस y इक्वल टू 4x प्लस 4y त हम लिखि परबा 10x प्लस y माइनस 4x माइनस 4y इक्वल टू 0 ताले ये वाला 6x माइनस 3y इक्वल टू 0 तो उभय रो हमें 3 कॉमन नै जेबा तो 3 कॉमन नले रही वाला केते ना 2x माइनस y 3 गुणन 2x माइनस y ताले ये पर को गला हरण हे गला ताले 2x माइनस y इक्वल टू 0 समीकरण 1 या पर देखो पुनश्च कोन कहै छी ना संख्याटि रे 18 मिसेले संख्याटि रो अंक द्वय रो परिवर्तन हो जाए ताले अंक द्वय को परिवर्तन करले कोन हो जाए ना उल्टे लिखले संख्या रे कते हो जाउ छी ना 10y + x ताले पूर्व संख्या 10x + y रे हमें 18 मिसेले हे जीवो 10y + x क्लियर हे गला तो या को समाधान कर देबा 10x + y - 10y - 10x + 18 इक्वल टू 0 ठीक अछि ताले 10x - x कते हे जीवो 9x माइनस 9y सॉरी y माइनस 10y माइनस 9y ये प्लस 18 अछि प्लस 18 इक्वल टू 0 त हमें इतो देखो कॉमन पड़ेबो 9 ताले
एठी काटी देले 9 कॉमन नै गेले हे गला x - y + 2 इक्वल टू 0 तले आमे लिखि परबा x - y + 2 इक्वल टू 0 समीकरण 2 तो समीकरण 1 आ 2 रु आमे 2x - y इक्वल टू 0 x माइनस वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो तो आम ये कौन कले ना समीकरण एक रु समीकरण दुई को आम फेड़दे तो समीकरण एक आई रु आम फेड़े कौन पाइबा ना 2x माइनस एक्स इक्वल टू एक्स ये माइनस वाई ये प्लस वाई कैनसल हो रहा माइनस टू तेल एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू टू तेल आम लिखिपर एक्स रूल्य को समीकरण एक स्थापन कले समीकरण एक 2x माइनस वाई ताले 2 इंटू 2 माइनस वाई इक्वल टू 0 ताले माइनस वाई इक्वल टू 2 इंटू 2 4 माइनस 4 हो जो ताले y इक्वल टू 4 ताले हम पाई गले x रो मूल्य पाई गलु y रो मूल्य भी पाई गलु तो हम लिखि परबा संख्या दि समान कते ना 10x + y इक्वल टू 10 इंटू 2 + 4 ताले 20 + 4 इक्वल टू 24 हो जे हमरो आंसर क्लियर हो गलो स्क्रीनशॉट कर दियो नंबर फाइव क्वेश्चन देखो दुई अंक विशिष्ट गोटे संख्या और तहार अंकदय स्थान बदलाए लिखिले जो संख्या मिले से संख्यादय जगफल 99 और अंकदयर अंतर तीन है संख्याटी के ठीक अच्छे आम कमी समाधान करवा दुई अंक विशिष्ट संख्या कही दशक एकक घर रमे ने धरा जाऊ संख्याटी दशक स्थानीय अंक एक्स एकक स्थानीय अंक वाई ताले संख्याटी केते हो 10x + y एने 10 घर 10 गुणन हो 10x एक घर y 1 गुणन हो 1 into y y ला ताले संख्याटी केते होला ना 10x + y संख्याटी रो अंक मानकर स्थान बदलाय लिखले कोन हिजो हो दशक घर स्थानीय अंक कोन हिजो हो ना y हिजो हो एककटा दशक घर को पळे आसीबो दशकटा एकक घर को पलि आस दशक स्थानीय अंक वाई एकक स्थानीय अंक एक्स अतए संख्या सामान कतेजी ना 10y प्लस एक्स प्रश्न अनुसार कौन कही संख्या द्वयर जगफल होनेशत संख्या द्वय को आम मिसाइल 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स इक्वल टू 99 ताले हिजो 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स इक्वल टू 99 10x प्लस एक्स इक्वल टू 11x वाई प्लस 10x 11y इक्वल टू 99 इलेवेन आम कमन जीवो 11 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 99 एक्स प्लस वाई इक्वल टू 99 बाय 11 एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9 समीकरण एक क्लियर यापर देख पुनश्च एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3 कारण अंक द्वयर अंतर तीन दे अंतर मान हूँ वियोग एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3 ये समीकरण दुई ताले समीकरण एक आउ समीकरण दुई रु देख समीकरण एक आउ दुई रु आम पाइबा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9 एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3 तो समीकरण एक माइनस समीकरण दुई ताले कौन हो ना एक्स माइनस चिन्ह बदली जाए ये माइनस अच्छे प्लस हो गला ये माइनस ओके तो टिके ये मिस्टेक हो जाए किसी ना मूल्य सामान आसवे अलरेडी जीव 36 63 आसो तो ये माइनस होते 9 रु 3 गले 6 ये आम एक्स एक्स कैनसल होगा वाई प्लस वाई इक्वल टू 2y इक्वल टू 6 ताले y इक्वल टू कते हिजो ना 6 बाय 2 इक्वल टू 3 हिजो ताले y रो मूल्य को समीकरण एक रे स्थापन करले कते हिजो ना x प्लस 3 इक्वल टू 9 ताले x इक्वल टू कते हिजो 9 माइनस 3 इक्वल टू 6 ताले x रो मूल्य 6 हे गला y रो मूल्य 3 हे गला ताले एटी x रो मूल्य आमे 6 पके दवा y रो मूल्य आमे 3 पके दवा ताले कते हे गला ना 60 प्लस 3 यहाँ चेंज हो 63 है बुझीपार स्क्रीनशॉट कर दियो जदि डाउट ताले कमेंट सेक्शन रे मेंशन कर करदेव आम व्हाट्सएप ग्रुप रही जो थे कि तुम मैंने जॉइन कर पार डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छे से डाउट क्लियर कर।
देख नंबर सिक्स, नंबर सिक्स रे कौन कही ना दुईटी संख्यार समष्टि सेमानंको वियोग फल चारि गुण एवं संख्या दुईटर जोगफल आठ तेबे संख्या दुईटी केते ताले देखो धरा जाओ संख्या दयो एक्स ओ वाई दुईटा संख्या में नहीं गले एक्स ओ वाई तो प्रश्न अनुसार कही देख द्वितीय लिखी जे संख्या दयर जोगफल हूँ आठ तो आम लिखिपर एक्स प्लस वाई इक्वल टू एट समीकरण एक तापर पुणी कौन कही ना संख्या दयर जोगफल संख्या दयर अंतर फल चारि गुण ताले एक्स प्लस वाई इक्वल टू फोर इंटु एक्स माइनस वाई क्लियर हो गला ताले एक्स प्लस वाई रूल्य आम पाइचे केट तो एट इक्वल टू हो फोर इंटु एक्स माइनस वाई ताले एट बाय फोर इक्वल टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू टू ताले समीकरण एक और समीकरण दुई रु एक्स प्लस वाई इक्वल टू एट एक्स माइनस वाई इक्वल टू टू आम फेड़ी देले समीकरण एक माइनस समीकरण दुई एक्स एक्स कैनसल हो दीटा कटिगला रहा कत वाई प्लस वाई टू वाई एट रु टू गले सिक्स वाई इक्वल टू सिक्स वाई टू वाई इक्वल टू थ्री तेल वाई रूल्य को समीकरण एक रे स्थापन कले आम पाइबा समीकरण एक अच्छी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एट ताले एक्स प्लस थ्री इक्वल टू एट ताले एक्स रूल्य कत माइनस थ्री इक्वल टू फाइव हो एक्स आउ वाई रूल्य आम पाइले अत संख्या दय के फाइव आउ थ्री क्लियर हो गला स्क्रीनशॉट कर दियो देखो नंबर सेवेन, नंबर सेवेन रे अच्छी दुई अंक विशिष्ट संख्यार अंक मानकर समष्टि दस ठीक अच्छे किंतु अंक गुड़िकर स्थान बदल लिखिले उत्पन्न संख्याटी मूल संख्यार दुई गुण रु एक गुणा हुए अच्छा देखा दि अंक विशिष्ट संख्या अच्छी ताहले दस एक घर रहा जाओ संख्याटीर दशक स्थानीय अंक हूँ एक्स एकक स्थानीय अंक के वाई ताहले संख्याटी के टेन एक्स प्लस वाई ठीक अच्छे तो संख्याटी को उल्टा लिखले कौन हम ना दशक स्थानीय अंक हो यार एकक स्थानीय अंक हो वाई एकक स्थानीय अंक हो यार दशक स्थानीय अंक एक्स तो परिवर्तित रूप कौन हो टेन वाई प्लस एक्स तो प्रश्न अनुसार कौन कही ना अंक द्वयर समष्टि दस ताले एक्स अंक किए किए एक्स आउ वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू टेन समीकरण एक बुझीगल तापर देख पुणी कौन कही ना संख्याटीर संख्याटी को अलटाई लिखिले मूल संख्यार दुई गुण रु एक गुणा हुए है जब संख्याटी को अलटाई लिखा के टेन वाई प्लस एक्स टेन वाई प्लस एक्स पुनः टेन वाई प्लस एक्स के ना मूल संख्यार टेन एक्स प्लस वाई रुई गुण रु दुई गुण टेन एक्स प्लस वाई रु एक कम माइनस वन क्लीअर तो यह समाधान कले आम पाइबा ये गला ट्वेंटी एक्स प्लस टू वाई माइनस वन माइनस टेन एक्स टेन वाई माइनस एक्स इक्वल टू जीरो ट्वेंटी एक्स माइनस एक्स नाइंटीन एक्स टू वाई माइनस टेन वाई माइनस एट वाई ये माइनस वन अच्छी डाण पट को प्लस वन है कते गला ना नाइंटीन एक्स माइनस एट वाई इक्वल टू वन समीकरण दुई यापर समाधान करवा आम अपसारण पद्धति अवलंबन करवा तो समीकरण एक रे आम समीकरण दुई वाई सहग को आम गुणन करू माइनस एट समीकरण दुई रे समीकरण एक रे वाई सहग के एक आम गुणन करू ताल ये के माइनस एट एक्स माइनस एट वाई इक्वल टू माइनस एट्टी समीकरण तीन सेमती ये होगा नाइंटीन एक्स माइनस एट वाई इक्वल टू वन समीकरण चार आम समीकरण तीन रु समीकरण चार को फेड़ीदलु ओके या फेड़े कौन हो देख प्लस चिन्ह अच्छी माइनस हो माइनस चिन्ह अच्छी प्लस हो प्लस अच्छी माइनस ताले एटि देख माइनस एट एक्स प्लस माइनस एट वाई प्लस एट वाई कैनसल हो माइनस एट एक्स माइनस नाइंटीन वाई हो माइनस ट्वेंटी सेवेन एक्स
इक्वल टू कते जो माइनस 80 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 81 ताले x रो वैल्यू कते जो माइनस 81 बाय माइनस 27 x इक्वल टू 3 तो x रो मूल्य को हमें समीकरण 1 रे स्थापन करले x plus y equal to 10 अच्छी, 3 plus y equal to 10, y equal to 10 minus 3 equal to 7. तले अतय संख्या टी 10x plus y, तले 10 into 3 plus 7 equal to 37. क्लियर ही होला? स्क्रीनशॉट करी निया. देखो, नंबर 8 क्वेश्चन. दुईटी संख्या मध्यरु प्रथमटीर 3 गुणरु द्वितीयटीर 2 गुण वियोग कले वियोगफल 2 हेबो एवं द्वितीयटीर 7 जोग कले जोगफल प्रथमटीर 2 गुण हेबो ताले संख्या दय निर्णय कर ठीक अछि आ क्वेश्चन बुझि जाओ ताले हम नै जेबा धरा जाओ दुईटा संख्या x ओ y धरा जाओ संख्या दय x ओ y प्रश्न अनुसार कोन कहै छै ना प्रथम संख्या रो 3 गुण रो द्वितीय संख्या रो 2 गुण फेडिले 2 होबो त हम लेखि परबा 3x - 2y = 2 समीकरण 1 तापर पुनी कोन कहै छी ना द्वितीय टी रे 7 मिसेले प्रथम टी रो 2 गुण होबो ताले y + 7 = 2x ताले ये होला कते ना ये पुट करसी होला -2x + y + 7 = 0 ताले ये होला -2x + y या को सपोर्ट को नै गले -7 उभय रे हमें माइनस गुणी देले ताले कोन हे गला ये ना 2x - y = 7 समीकरण 1 समीकरण 2 क्लियर तपर देखो समीकरण 1 रे हमें y रो सहग समीकरण 2 रे -1 ताको गुणी दे समीकरण 2 रे हमें समीकरण 1 रे y रो सहग -2 ताको हमें गुणी दे ताले कोन हे गला ना ये गला -3 x plus 2y equal to minus 2 समीकरण 3 minus ये वाला minus 4 x plus 2y equal to minus 14 समीकरण 4 यहाँ पर हमें समीकरण 3 रू समीकरण 4 को फेडी दे दो ताले ये ठीक देखो 2y minus 2y कैंसिल ये वाला रही लगता है minus 3x plus 4x ये वाला x क्योंकि minus 2 plus 14 इक्वल टू होला 12 ताले x रो मूल्य होला 12 ताले x रो मूल्य को समीकरण 1 रे स्थापन करले समीकरण 1 रे 3x - 2y = 2 3 * x 12 - 2y = 2 ताले ये कते होला 36 तो याकु मु सीधा सडक एथि टिके चेंज कर देली हैला बुझि जाओ ये कते हे जइबो 36 - 2y = 2 2 तो ए 2y को डहान को नै गले कते कोन हे जइबो 2y हे जइबो -2y अछि ये अपर को आसी गले कते हे जइबो ना 36 -2 तो मु सेइटा को सीधा सडक लिख देली अपर को नै आसी गे हला ताले ये गला कते ना 2y = 36 -2 ताले y = कते हे जइबो सॉरी एटा 2y 2y = 34 ताले y = 34/7 34/2 = y = 17 हमें पाई गले x रो मूल्य 12 y रो मूल्य पाई गले 17 अतएव हमें लिखि परबा संख्या दय 12 ओ 17 ठीक अछि जति क्लास बोल लागि छि ताले वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करि कि तुम संग मान को बाकु को पहुंचाओ प्रतिदिन हमें एही समय रे हमें सब दिन क्लास करबा त तुमरो टाइमिंग मने रखो 7:30 रु 7:30 प्रतिदिन क्लास 10 रो 7:30 रु 7:30 हमें मैथ क्लास करिया ओके धन्यवाद।